अहमदाबाद लोकल गुजरात। भाई आप लोग नंबर देख लो, करो कॉल आप लोग भी। हेलो हेलो हेलो, हेलो ये ठाकुर बोल रहा हूँ। हेलो मुंह से आवाज निकालना। ये भाई आ गए, उसकी गली में आ गए भाई हम लोग। अब घर उसका कौन सा, ये पता लगाना। हेलो हाँ ठीक है, धन्य आगे लेके जा मारो जाए ठीक है। पूरी चैट फोटो दिखा, तुम्हें की है कौन तू कह रहा है अंदर जान तो साल तुम्हें को हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का मेरे को नए ब्लॉग में। और मैं बता दूं तो अभी मेरा दिमाग आपको देखने में चेहरे पे स्माइल लग गई, अंदर से बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। अब आपको मैं बता दूं, आप लोग तो जानते हैं ऑनलाइन गुंडे होते हैं, बहुत हैवी हैवी गुंडे होते हैं। मैंने दो तीन वीडियो भी बनाई है इनके ऊपर, कोई फोन पे कोई ऐसे सामने आते सब पिल्ले बन जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक और बता दूं, रात से मैं सोया नहीं हूं, उसी पीछे दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। बस मैं ये सोच रहा था कब मैं उठूं, घर में घुस के पे लाऊंगा उसको भाई। मैं सोच तो हुआ क्या, मैंने स्टोरी लगी थी रील की, मैंने स्टोरी लगी हुई थी वो, उस पर गालियां वगैरह, मैं बहन की गालियां फ्री फंड वगैरह मैंने देखा। मैंने कहा अरे, तो मैंने फिर भाई कुछ बोले नहीं, मैंने भी बकी दी गालियां, उल्टी गालियां बक दी। लेकिन मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरे को पता था कि बाद में डील करेगा, और मैं समझ रखा था भाई कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। उसने गालियां बकी और मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। लेने के बाद भाई अब मैं रात भर सो नहीं पाया इसी चक्कर में कि मैं अब इसको, मतलब मेरे अंदर दिमाग गुस्सा भर गया कि इसको मारना है भाई कसम से। और फिर मैं उस टाइम पे चलो कैसे लेटा, फिर मैंने उसका देखा कि सुबह मैसेज आया मेरे पे। मैंने सुबह उठा, दीदी को छोड़ने गया था मैं कॉलेज, तब देखा मेरे पास मैसेज आया। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, मैं मैसेज देखा भाई सॉरी यार कसम से धोखे से हो गया, तुम यहाँ पे चैट देख लो, तुम ये देखो चैट लगा दी मैंने। अब तुम ये बताओ कि ये बंदा ने पहले ऐसे बात की और अब ये ऐसे बात कर रहा है। तो भाई मैंने इसके पीछे मैंने कहा कि नहीं भाई अब कुछ नहीं, अब तूने जो गालियां बक दी मैंने, चल कोई नहीं मैंने सुन ली, तूने गालियां बक दी मैंने सुन ली, मेरे को मिलना है तेरे से सामने फेस टू फेस मिलना है बस। कहने लगा कि सामने सामने नहीं भाई, मैंने कुछ किया नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त था वो रात फोन चला रहा था उसने गाली बक दी। मैंने गालियां किसी ने दी, आई तेरे फोन से हैं। तो बोलता कि नहीं भाई यार मेरे फोन से आई है बट मैंने तो नहीं दी ऐसा वैसा। मैंने कहा तुझे मिलने में क्या अर्ज है, कहता कि अब मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, बोलता मैं वही नहीं यहाँ पे, महाराष्ट्र गया हूँ मैं, मुंबई महाराष्ट्र। मैंने कहा मतलब तो तू मुझे उसे वो लौंडा बता दे जिसने गाली दी है मेरे को। मैंने कहा लेकिन तुम मिल ले मेरे से बस, ऐसा है वैसा है। अभी खैर उसने नंबर दिया, उससे बात और करेंगे फ़ोन पे, फिर आपको दिखाते हैं भाई। दिमाग तो बहुत ज़्यादा खराब है, मारूंगा तो मैं कसम से कभी भी मिल गया मेरे को मारूंगा मैं। ये है भाई ऑनलाइन गुंडे, ये धत्ते लग जाते हैं तो कसम से ऐसा लगता है बहुत मारे। इसके भाई को पहला था कसम से, मतलब खुला पहलता हूँ, उसकी फोटो भी लगाऊंगा मैं, ये ले इसकी फोटो। चकोर गली वाला नहीं, यहाँ का इधर था, इधर था रो सरोजनी स्कूल तरफ भाई का, ये ऐसा भाई था ऐसा, पकड़ लिया भाई, ला दिया पकड़ के भाई, पहल के धन्य के तमाचा मार दिया था, सुअर भर दिया था सुअर कसम से। उठा ले भाई, अहमदाबाद लोकल गुजरात। भाई आप लोग नंबर देख लो, करो कॉल आप लोग भी। हेलो हेलो हेलो, ये ठाकुर बोल रहा हूँ। हेलो हाँ, गाली वाली की नहीं थी, कहाँ से भैया कहाँ से बोल रहे, ज्यादा पहले मैं हेलो मुंह से आवाज निकालना। नहीं आया गाली दी, अरे भांग पी के बात कर रहे होगा। हाँ रुकाओ, रुक के बोल, लेकिन बात अभी क्लियर कर दे सारी। हाँ मैं जानता हूँ भाई, तेरे को जानता हूँ मैं। अरे फोन जिसके पास भी हो भाई, फोन जिसके पास भी हो, गाली तेरे फोन से आई ना। मेरे को मालूम है, मैंने सुबह देखा फोन, मैं कल रात को क्या हुआ, कल मैं रात 3 बजे से बैठा था, तो मेरे पास फोन क्या नहीं, मतलब गंदा कमेंट
अरे तूने भाई कमेंट नहीं किया, बट तुझे ये चीज देखनी चाहिए कि तेरे फोन से अगर कोई गाली बक रहा है तो आईडी तो वो तेरी है ना। अगर कोई अगर गाली करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, ले आईडी तो तेरी है, रखा तो तू ही जाएगा ना उसमें। अरे वही तो मैंने फोन ही नहीं कहा ना, मैंने रात को यार मतलब सो गया था यार मैं जल्दी भाई। पहले ये चीज उसको समझा दियो, ठीक है? कह दो यार फोन पे गाली सब दे लेंगे भाई। यार तुम्हें पता 8 साल का बच्चे का फोन पकड़ा तुम, वो बक देगा तुम्हें गाली, बकेगा कि नहीं बकेगा? फोन तो सब दे लेंगे भाई यार, आमने सामने, आमने सामने मिलके देखते भाई कौन बोल लेता कौन नहीं बोल पाता है। अरे यार तुमको गाली दूंगा, अब ये तो है नहीं कि मैं वापस आऊंगा नहीं कभी भाई। तो वेट ही था भाई, रात भर सोया नहीं हूँ मैं, मेरे दिमाग में ही चलती रही। मैं बस यही सोच रहा था कल मैं सुबह ही निकलने वाला था तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मैसेज ना होते तो मैं कल ही तुम्हें सुबह निकल लेता ढूंढने के लिए। पता तो था ही मुझे उस गली में रहते हो तुम, मिलते मिलते ना मिलते ना मिलते वो बात अलग है, लेकिन इतना खून खोल रहा था कि तुम्हें कसम बता रहा है अगर तुमने मैसेज भी बताई ना होती कि हमने गाली नहीं दी तो भाई तुम्हें बहुत मारता, मैं कसम बता रहा। अरे भाई सुबह मैंने फोन लिया ना उससे, उसने भी नहीं बताया कि ये था, तमाशा हो गया रात में। तो सुबह मैंने जब और उसे बोल दी कि लिखना भी लिखना सीखे पहले, गाली भी नहीं देने आ रही नहीं ढंग से उसे। अरे फोन ऑन मत दियो, तुम्हें मैं बता रहा हूँ फोन ऑन मत दियो, और दोबारा कह दियो कि गाली वाली ऐसे ना बके बाकी। अरे ये बताओ सर, अभी तुम थे अगर कहीं और होता तो मेरी तो लाइफ ही बेकार हो जाती। हाँ मैं था, अगर तुम गुस्साएगे होते तो लाइफ में भी बेकार कर देता भाई। गुस्साएगंज का ठीक ठाक मौसम है भाई। अच्छा वो जिसने गाली बकी मेरे को वो तुम्हारे साथ ही है इस टाइम अभी? नहीं साथ नहीं है यार, वो साथ होता है यार तो उसके हाथ में फोन पकड़ा देता लेता हूँ गाली। गलत चीज है भाई ये, इसे समझाइयो यार। नाम क्या उसका जिसने गाली बकी? सूरज सिंह। सूरज सिंह है वो, ठाकुर ही है? नहीं राजपूत है। राजपूत ठाकुर ही होते हैं मेरे भाई। ठाकुर होते हैं क्या? हाँ नहीं तो राजपूत बहुत तरीके के होते हैं ना वो। कौन सा वाला राजपूत है, कौन सा वाला? अगर वो सिंह लगा रहा है तो वो ठाकुर ही है मेरे भाई। तो मेरे को मालूम नहीं है ना इतना। चल कोई नहीं, काम वाम कर भाई, क्लियर हो गई अच्छी बात है। वो मुंबई है ना, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है मई जून चल रही हो। बोल तो रहा हूँ ये मुंबई है। और आप दिल्ली गए थे फिर वापस आके? दिल्ली गया था भाई, आ गया वापस। जॉब नहीं मिली क्या कुछ? जॉब जॉब करने कौन गया था भाई? अरे हाँ उसके लिए यार, मॉडलिंग एक्टिंग के लिए जॉब। अब क्या भाई इतनी नीड, जॉब की क्या नीड है भाई? भगवान की दया से पैसा ऐसा की कोई कमी नहीं है, 5-6 गर्लफ्रेंड हैं। तो तुम यहाँ पे आओ ना मुंबई में। मुंबई क्या करूँ, मॉडलिंग यहाँ पे काम मिल जाएगा तुम्हें, मॉडलिंग का चलते यहाँ पे मॉडलिंग। नहीं पहले स्टार्टिंग में सीखना चाहिए ना थोड़ा बहुत, कहीं कहीं से सीखना चाहिए। अरे मतलब पहले थोड़ा आना चाहिए, ब्लॉग तो अलग लेवल का हो गया, ब्लॉग इस साइड का है ही नहीं, इस साइड में मतलब बात कर रहे हैं हम लोग। मॉडलिंग एक्टिंग से ब्लॉग का कोई लेना देना नहीं है भाई। यार चल ठीक है, चाय ठंडी हो रही है हम लोगों की। हाँ भाई ये तो उठे, ये उठने का टाइम है हम लोगों का भाई, तब तो कॉल ही किया अभी उठे हैं हमारे। ठीक है भाई, अब बोला भाई कि ऐसी वैसी मेरी गलती नहीं थी, किसी दूसरे ने गाली बक दी, ऐसा वैसा भाई सॉरी वॉरी सब मारा लाना वलाना ठिकाना, खैर छोड़ो। अच्छा लौंडा था, अच्छे से बात की उसने, कहा कि मैंने उसकी बोला क्या फोन में, मैंने उसकी मैंने कहा भाई गाली वाली बंदे ना गाली ले। चलो खैर कोई नहीं, जान पहचान का लौंडा था भाई, कहूँ मैं उस पर मेरे को बर्थडे पे इसके नीचे गाली वगैरह। अरे कोई नहीं होता, चलो बक दी होगी किसी ने, चूती ने। लेकिन सुन के भाई ये दुख हुआ जो उसने बताया जिसने गाली दी है वो भी ठाकुर था। अब तुम मिलने के बाद भाई धरने का रिएक्शन देखना, धरने का वो मेरे से भी ज्यादा गुस्सा है भाई उसको। कल मेरे साथ था ना वो, एला ही मेरे साथ था जब मैंने वो भाई हॉकी निकाल के, तो अभी जो ले हॉकी लेके कहाँ होगा साला, घर से घसीट के मारेंगे। मैंने कहा थोड़ा दिमाग से मतलब काम लिया करो, किसी के कभी घर में घुस के नहीं लड़ना चाहिए, और जब उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं जब तुम्हारे पास कोई बंदे नहीं है, क्योंकि वो मैं सोचना हीरो हीरो हूँ मैं, 5-10 को इकट्ठे मार दूंगा भाई, दिमाग से काम लिया जाता है लड़ाई में हमेशा। मैंने कहा रुको आज छोड़ो घर पे जाओ,
कल देखेंगे। चलो गाइस चलते हैं उधर साइड, बहुत देर हो गई भाई सोते सोते, टाइम हो गया कितना, 3 बजे उठे हैं चाय नाश्ता करके, अब सीधा जा रहे हैं भाई, जाके उधर साइड धन्ने से ही मजे लेंगे कभी। धन्ने भाई चल हो गए लड़ाई सारे पेल लेंगे जो भी घर जाएंगे उधर धन्ने को लाएंगे और बस मौज मस्ती अपनी भाई पुरानी एक दूसरे को पेलना भाई। सीरियस होके खाएंगे जाके, सीरियस होके धन्ने आज लिया एकदम ऐसे मुंह बना के भाई, धन्ने आज लिया हो गई का मारन चल रहे हैं, बकलौती नहीं मारन चल रहे हैं, दिमाग खराब है, रात भर गाली पकड़ो रात भर, और हाँ हॉकी निकाले सीधे घर ही चल रहे हो आगे जाके पकड़ा दी तुम्हें ठीक है, हॉकी लेके जाइए शॉप में खड़े रह रही हो माँ जी सर पे हॉकी ठीक है, भले कोई आ जाए कोई ऊंची आवाज बोले अब दियो सब है सबने कहीं पेल के मरियो ठीक है, हाँ चाचा था चाचा कहीं मरियो धन्य कही धन्य मारा खेले अच्छा दी किसने तुमको दी मेरे, अब मेरे भैया ने अभी मंगते थे भैया, हाँ जी भाई जी हुई है भाई, अभी अभी और आ रहे हैं उसको लेके और जाएंगे साथ में, अभी कॉल किया मैंने लड़ाई होगी आ रहा है जे जा मैं तो बाहर काम में घुसे रहा मैं बिग बॉस में भाई, यहाँ बिग बॉस की बात कर रहा है यहाँ सीरियल लड़ाई होगी नहीं बिग बॉस की बात करनी, कल वाला जुनून ला भाई कल रात वाला, कल रात ही वाला जुनून है, तुम चिंता काहे कर रहे हो भाई, कल रात में हमसे ज्यादा बोर आया ये हुआ था वही चल रहे करे हमने अभी 11:30 उसके घर पे क्या सोने चलेंगे ये ले भाई BTS छठी औलाद हेलो पीन के लिए दूध ताकत के लिए लल्ला को तुम फेंक दो दोबारा पैदा हुई वो तो, लेकिन लड़ाई सीरियस है। हेलो ना यार अरे किट्टू है ना देख बाबा तूने एक मूवी देखी जिसमें बाकी माँ लड़ती है वहाँ के मान लेती बच्चा को तू पीछे मान ली, अरे कितनी है कम से कम 25 साल की है जाको भैया छोटे वालों को 2 साल की लड़ाई तेरे पापा से हॉकी निकाल तो खराब लौंडा है तुम्हारा लड़ाई की हमारी और तुम्हारा लौंडा आई ना रो है टिकट निकाल टिकट, अरे टिकट इम्पोर्टेंट है कि भाई की लड़ाई होगी वो इम्पोर्टेंट है, टिकट इम्पोर्टेंट है मौसी बैठी बेचारी जान को दीवार गलत बात है जब बहुत ज्यादा तुम्हारी लौंडा गिरवा के ना मरवाओ तो हम ठाकुर ना काम चल रहा है और ये थोड़ा मतलब लड़ाई तो सॉल्व होगी आपने देख ही लिया ब्लॉग में, बट इन लोगों को ले जाऊंगा और थोड़ा मुझे मौज मस्ती में करूंगा क्योंकि लोगों को नहीं पता कि लड़ाई सॉल्व हो गई है, यार भाई कितना फट्टू आदमी आ गया मेरी लड़ाई में यार, भाई कसम दे रोते हो यार भाई कितनी देर वापस आएंगे, अमीन को ये बताएं भाई लड़ाई में कितनी देर से वापस जाएंगे, सुनो गली बोलने वालों घर से बाहर मत निकलना यार ठाकुर की लड़ाई हो गई है गोलियां चल सकी जल्दी लेके आओ होगी साफ कर ले भाई, हाँ खाल बाहर आ जाए मारने है तुम्हें चलाए देने तुम्हें, अब वो कछु बोले तो भैया 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 करे कछु करे तुम्हारा चंबल जो जहां खपड़ी मार दी हो के क्या खपड़ी पे यहां पे 6 करोड़ ले रही हो बहुत दिन से उद्घाटन होना है वो याद है तुम्हें, लड़ाई लड़ाई 6-7 हो चुकी है उद्घाटन तक की करो ने हाथ ही पैक उद्घाटन कर गया है ये भाई आ गए उसी गली में आ गए भाई हम लोग, अब घर उसका कौन सा ये पता लगाना, हेलो हां ठीक है धन्य आगे लेके जा मारो जाए ठीक है पूरी चैट फोटो दिखा तो मैं किया कौन तू कह रहा है आगे आइंदा जान तो साहिल तुम्ही को तो तू ही कोई दोस्त है दोस्त है अच्छा अब आपने अपने दोस्त नाम का बताओ तो दोस्त को नाम वो करण सिंह बताओ तो कुछ करण सिंह कोई नहीं है कोई नहीं महाराष्ट्र तो गाइस जस्ट प्रैंक हो रहा था ऑलरेडी मेरे उस लड़के से बात हो चुकी है सब सॉर्ट आउट हो चुका है, उसने कहा है भाई सॉरी मेरी गलती नहीं मेरा एक दोस्त ने गाली गलौज की थी तो तन्ने जस्ट तुम्हारे साथ एक प्रैंक हो गया है प्रैंक के बाद नहीं वो बोल रहा तो किसी दोस्त ने आगे गाली गलौज करी थी
एक मेरे पे बजाय ले काच उतरना मेरे भाई इधर देख ले जस्ट प्रैंक। अरे अड्डे यार मैं कहां ही गो। अरे अड्डे तो जाना अकेले वाकई पापा जा रहे हैं। अरे पापा पे नहीं किसी की यार पापा पे धन्ने धन्ने इधर देखना भाई ये गुस्सा हो गया अलग यार। अब सामने वाला जब सॉरी बोल रहा है तो काहे लड़ना जब गाली दे दी उसने। भाई को एडवाइस देना चाहूंगा कि लड़ाई हो मत जा सालों प्रैंक हो रहा है। अरे यार जब क्या है सॉरी बोल तो रहा है बंदा लेकिन मुझे पता था ये सीरियस ले लेता है ये बात तो सीरियस ले लेता है भाई। ये देखो भाई देखने में कितने लंबे चौड़े भाई हेयर स्टाइल देख भाई हेयर स्टाइल कितनी भयंकर है। यो हनी सिंह वाली भाई पैसा निकाल रहा है तगड़ा। भाई मैंने तो पिन दिखा दिया सबको ना चिप लग जाता है उठा दिखाइए कहाँ चल रहा है रचपाल रचपाल तो ना मुंबई वाले होटल में चल रहा है। ओ भाई हाँ भाई भाई सुनो यार पैसों की बहुत जरूरत है यार तेरे भाई के होते हुए तू पैसों पे ही बात कर रहा है भाई भाई समय यार कितना चाहिए पैसा बोल भाई भाइयों में ऐसी चीजें नहीं चलती भाई। ओके भाई 10,000 दे दे भाई 10,000 भाई हाँ भाई। अरे भाई यार 10,000 तो है ही नहीं भाई 500 में दे दे। तूने 5 मिनट लेट कॉल की ना तो तुझे 10,000 में दे देता भाई 500 में दे दे पेट्रोल के लिए पेट्रोल के लिए दे दे 500 तू भाई दोगला आदमी है तेरे तुझे दे देता मैं 500 दे दे। तू सुबह सुबह अकेले घूमने गया था मुझे बुलाया भाई कहाँ अकेले घूमने गए थे भाई मैंने तो कॉल ही नहीं की मैं तो सामने गया ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये साले एक भी पेट्रोल नहीं डलवाते हैं गाइस क्योंकि भाई मैं भी बाइक लाता था अपनी तो मेरे में कोई नहीं डलवाता था भाई 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 पैसे पैसे भेज दो पैसे पैसे भेज दो पैसे भाई बता दो तेरे खर्चे से चोरी बता मैं के डरू तू खर्चे से चोरी बता मैं के डरू तू चोरी ऐसे ऐसे खर्चे मैं रोज कर तू। जब मेरे दोस्त अपने बाप के पैसे से एटीएम निकाले यार अपने बाप के एटीएम से पैसे निकाल रहे और आ गए भाई पहली बार इतना पैसा नहीं यार पहली बार ना यार हमने बहुत लोग पकड़ा पापा में इसे पकड़ाते कहते लो इधर इन्हें दिया जाए इन्हें दिया जाए इन्हें दिया जाए हम जिन्हें जिन देते हम तो बद्दुआ मार के आते ये साला ले रहा है इससे वापस पैसे ना लेने जाऊँ तो मैं भी क्या कह रही थी हल्के में ले रही है मेरे को अरे पैसा बहुत है ये लो जाओ ऐश करो मौज करो ये लो गिन लियो हमने गिने ना ठीक है ऐलान पड़े भाई पाप पड़ेगा तुझे भाई ये मालिक अभी फेल देते चलते फिरते हम बूढ़े आदमी उसकी जिंदगी में नरक कर देते वो जा रहा उसके ओनर दूं सोए वो इधर निकल लो भाई भाई वो तो ठीक है भाई साइड से खड़ा अंदर टॉयलेट कर रहा है टॉयलेट नहीं ला जा को दिखाले पर लाइन मार अरे हम तो सवाल ये तो अपनी दो अपनी सोचो भाई ऐसे तो मोटरसाइकिल बंद हो जाते एकदम ये फर्स्ट ठीक में पहली बार बंदा नाच स्टार्ट करी है इज्जत बात ही ना देखिए इनकी मार सामने वाले भाई फॉग देखो भाई ये देखो सामने जो इतना फॉग है भाई दिख रहा है तुम्हारे चक्कर में है जो सब कुछ रुको रुको अरे यार मार के चक्कर में आ अपने से देखा अपने देखा अपने आज जीने पहले धुलवाई जाएगी जूता ये गिर गए ये को धक्को ना देखा तो मैं जूता पहन दे ये बात दिया तू ही के चलो भाई अब थोड़ा साफ कर लिए जूते अच्छा क्लिप ले ली थी हां क्लिप ले ली थी उधर लोगों को बताएं क्लिप ले कोई कोई अपने जूता पहन दे तो क्लिप ले लूं आनी हम दोनों जैकेट दिखे नहीं जरा हट दिखा दे भैया ना एक बार देखो भाई इसने मेरी जैकेट फाड़ दी अब पैसे भी नहीं है थोड़े पैसे भेज दो एक ही जैकेट अब हम गिरे बोल तुझे गिरा मैं फिर हमने देखो तू तो मेरे पहन के हमने हमने धनु इधर ही हाँ दिखी जा ओ आ बड़े प्यास देखो ने ले तेरी जाके भाई जैकेट फट गई इसकी भाई इसके जूते लेकिन इसका जूता बूट टाइप में इसका पूरा गया नहीं मैंने पे रखा मेरा पूरा अंदर आधा आधे पैर अंदर भी ले गए भाई मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद नहीं हूँ मैं झूठ बोलता था ये भी मेरे घर की औलाद है भाई भाई नाम बताओ विशाल ठाकुर
भाई आप लोग गलत फैमिली में जीत लो भाई, अपने घर से ज्यादा मेरे घर पे रहता है। धन्य भाई की स्नैप देखो, ये देखना भाई, ये चीज देखना। बारिश स्ट्रगल दियो, एक आधे की दियो ले, बस बस इतने आगे 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 का देखना।